अगर अगस्त के बाद हुआ, मतलब सितंबर अक्टूबर तक चला गया डेट एग्जाम का, तब आपको हम 50 के आसपास मॉक टेस्ट देने वाले हैं। अब हार्ड कॉपी में आपको मौका मिलेगा सेट मारने का, सारे बच्चों के बीच में बैठ के यहाँ सेट मारिएगा क्लासरूम में, और टाइमिंग जो रहेगा वो 4 बजे रहेगा। इसका जो टाइम रहेगा वो 4 बजे, मतलब 4 बजे शाम को 4 PM में रहेगा। सप्ताह में 4 दिन सेट मारने का आपको मौका मिलेगा। के सामने एक झलक दिख रहा है जो CBT 1 का जो प्रैक्टिस सेट है, RRB ALP का CBT 1 का आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट होता है भाई, हेल्पलाइन नंबर और आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया है बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एक था उसका आंसर डी दिया हुआ है, और इसका एक्सप्लेनेशन करके आपको बता दिया कि भाई कैसे इसका आंसर आया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि सर इतना एक्सप्लेनेशन कौन देखने जाएगा, हम मुझे सब मालूम है, बस आंसर की दे दीजिए हम प्रैक्टिस कर लेंगे अपना। तो अलग से आंसर की का एक सीट भी आपको देंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों ALP CBT 1 का मॉक टेस्ट हमने लॉन्च कर दिया है, और ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके लिए काफी कारगर है। CBT 1 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इस मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जितने भी प्रश्न डाले गए हैं, जिस तरह से इसे बनाया गया है, आपके लिए काफी रामबाण की तरह है। क्योंकि टोटल जो मॉक टेस्ट की हम बात करें, तो अगर अगस्त में ALP का एग्जाम हो गया जैसा कि टाइम टेबल में बताया गया था CBT 1 का, तो आपको 30 से ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे। अगर अगस्त के बाद हुआ, मतलब सितंबर अक्टूबर तक चला गया डेट एग्जाम का, तब आपको हम 50 के आसपास मॉक टेस्ट देने वाले हैं। और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो CBT 1 क्वालिफाई होंगे। और कंपेयर करके देख लीजिए, कोई भी संस्थान आपको इतना बड़ा संख्या में मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस नहीं दे रहा होगा। और इस मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस में आपको हम क्या क्या देंगे, कैसे देंगे, तमाम चीजों के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि इस मॉक टेस्ट के अंदर में भाई कैसा कैसा है, क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसमें जो टोटल सेट है, अभी के लिए 30 से ज्यादा सेट आपको मिलेगा। मतलब यह है कि अगर अगस्त में एग्जाम होगा तो 30 सेट सफिशियंट है प्रैक्टिस के लिए। अगर एग्जाम सितंबर अक्टूबर जाएगा तो हम इसको 50 के आसपास लेके चले जाएंगे, 50 देंगे। इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये सेट के लिए जो प्राइस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो भी आपका वेलकम है। यहाँ पे हार्ड कॉपी में आपको मौका मिलेगा सेट मारने का, सारे बच्चों के बीच में बैठ के यहाँ सेट मारिएगा क्लासरूम में, और टाइमिंग जो रहेगा वो 4 बजे रहेगा। इसका जो टाइम रहेगा वो 4 बजे, मतलब 4 बजे शाम को 4 PM में रहेगा। सप्ताह में 4 दिन सेट मारने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चों को। CBT 1 के लिए अलग से कोई चार्ज है, इतना ही चार्ज है। और जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी कोई प्राइज में ऐसा वैसा नहीं है। आप भी अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, पटना नहीं आ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो आपको भी इतना ही चार्ज लगेगा। और आप अपने मोबाइल में प्रैक्टिस सेट को ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद आप अपने OMR सीट ले लीजिएगा, मार्केट से कर लीजिए, वहां पर टिकआउट कर लीजिएगा, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये PDF फॉर्म में होगा, जो सेट होगा वो PDF फॉर्म में होगा, और ये डाउनलोड सेट डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो होगा वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर ऑनलाइन है ज्वाइन करना तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन आके ज्वाइन कर सकते हैं, चार्ज में कोई कमी नहीं है। ऑफलाइन वालों को PDF हार्ड कॉपी पर टेस्ट डेली लिया जाएगा, है ना, और उसका एक्सप्लेनेशन सीट आपको मिल जाएगा आंसर की के साथ में। अब इस मॉक टेस्ट के अंदर में क्या क्या है भाई, तो ऑल सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट है जो ALP CBT 1 में जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, GK की, GS की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट मिलाकर इसे तैयार किया गया है, और ये सेक्शन वाइज है, ठीक है ना, मतलब जो भी सेक्शन है सब्जेक्ट का वो सेक्शन वाइज रहेगा, और फुल लेंथ टेस्ट रहेगा आप लोगों का, जो 75 टेस्ट है क्वेश्चन वो टोटल रहेंगे, ठीक है। तो 75 के आप 30 से ज्यादा सेटों का प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। अब आइए आपको हम दिखाते हैं जो टेस्ट है वो किस तरह से दिखता है, उसमें क्या क्या है, सारे चीजें आपको क्लियर हम कर रहे हैं। तो देखिए आपके सामने एक झलक दिख रहा है जो CBT 1 का जो प्रैक्टिस सेट है, RRB ALP का CBT 1 का आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको एग्जाम ID दिखेगा कि भाई एग्जाम ID कौन सा आपका है, इसी से ट्रैकिंग करेंगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर डेट टाइम मिलेगा, जो ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे यहाँ पर डेट टाइम सारा लिख दिया जाएगा, ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। टोटल 75 प्रश्न होंगे, मार्क्स 75 का होगा, निगेटिव मार्किंग 0.33 और ड्यूरेशन 60 मिनट है, ठीक है ना। रेलवे भी इतना ही देता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि 40 से 50 मिनट में आपको टेस्ट कंप्लीट करवाएं, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन के बाद इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्टिस क्लासेस इजी वे। ठीक है, ये ऑप्टिस क्लास कहां से आ गया भाई बीच में? तो ये है नॉन टेक्निकल ब्रांडेड कोचिंग, ठीक है ना। ऑफलाइन में 13 वर्षों से क्लास चला जा रहे हैं ऑप्टिस क्लास में, हजारों बच्चों ने यहाँ सिलेक्शन लिया है। जो छोटे छोटे शहर के बच्चे होते हैं, गाँव के बच्चे होते हैं, किसान के बच्चे, उनके लिए समर्पित कोचिंग है। हजारों बच्चों ने सिलेक्शन लिया है और इजी वे कोचिंग इन्हीं से टाइप कर लिया। हम लोग आपस में टाइप हो गए कि भाई नॉन टेक्निकल आप देखिए, टेक्निकल हम देखेंगे। तो उससे होगा क्या, क्वेश्चन की जो क्वालिटी होगी ना वो स्टैंडर्ड लेवल की होगी, उसको कंट्रोल कर पाएंगे हम लोग। आपका प्रैक्टिस बेहतर होगा, एग्जाम में सिलेक्शन का जो रेट है और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों कोचिंग ने आपस में मिलकर इस चीज को तैयार किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो यहां से स्टार्ट होता है भाई, हेल्पलाइन नंबर और आप कॉल कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट होता है आपका प्रैक्टिस से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया है बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ना। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन सारे हैं और आप देखेंगे कि जो एग्जाम का पैटर्न है, जो लेवल है एग्जाम का, उस लेवल को इसमें टच किया गया है। ठीक है, उस लेवल को इसमें टच किया गया है। तो मैथ और रीजनिंग आपको स्टार्टिंग में आपको दिख गया। ठीक है, आगे बढ़ते जाइएगा तो जितना प्रश्न मैथ से, जितना प्रश्न रीजनिंग से पूछा जाता उतना ही इसमें डाला गया, उसी हिसाब से इसे बनाया गया है। ठीक है, अब इधर रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो गए तो आपको क्या, हाँ, इसमें ना प्रीवियस ईयर के भी प्रश्नों को डाला गया है बीच बीच में, जिससे आपको प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न का पता लगता बढ़ रहा है कि भाई किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइंस वाला पार्ट शुरू हो चुका है ना। तो इधर मतलब लगभग लगभग सारी चीजें वही हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जीएस वाला पार्ट है टोटल। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंचे, 69 पहुंच गए। और देखिए आगे बढ़ते जाए तो यहाँ पे स्टैटिक्स जीके से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं, करेंट अफेयर से भी सवाल है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से 75 को प्रश्न आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और जो लेटेस्ट में जो करंट अफेयर है आपको देखेंगे कि ये भी इसमें अच्छे से दिया गया है, जिससे आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो क्वेश्चन का पैटर्न आपने देखा, अब आपको हम दिखाते हैं इसका सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे ये सोल्यूशन ओपन हो चुका है। जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर एक था, उसका आंसर डी दिया हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन करके आपको बता दिया कि भाई कैसे इसका आंसर आया है। ठीक है, इधर भी देखेंगे तो सेम वही है, क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है कि कैसे बनाया बनाया जाए प्रश्नों को, किस तरह से आपको डील करना है। तो सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से आप एक अपने घर पे प्रैक्टिस करने के बाद आप इसका सोल्यूशन देखकर और बेहतर तरीके से अपने आप को इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्नों का यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है ना, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा और सारा चीज वेरीफाइड है। ऐसा नहीं है कि कहीं क्वेश्चन गलत मिल जाए, सही मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, सारा वेरीफाइड है। ठीक है, तो आप एक बार इसे ज्वाइन करिए और प्रैक्टिस करिए, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर CBT 1 एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए फायदा ये रहेगा ना कि बच्चे कम मात्रा में सीट क्वेश्चन थी फॉर्म अप्लाई किए थे और इसका फायदा आपको मिल जाएगा, 15 गुना रिजल्ट देगा। मतलब मान के चल रहे हैं कि 15 गुना का मतलब हुआ कि लगभग 2 लाख के आसपास रिजल्ट देगा। उससे फायदा क्या होगा कि बहुत कम नंबर का कट ऑफ जाएगा और उससे आपका CBT 2 में अगर आप बढ़िया प्रदर्शन करेंगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र के तेजस अशोक सिरसे ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में इन खेलों का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम करके अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिला की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 1 घंटे 36 मिनट 35 सेकेंड में रेस पूरी की है। महाराष्ट्र के तेजस अशोक पुरुषों में 110 मीटर बाधा दौड़ में 13.80 सेकंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया है। मतलब ये पूरा डिटेल्स में दे दिया गया, अगर इसके आसपास भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा। मतलब एकदम बिल्कुल जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसका प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं। तो डरिए नहीं, कम से कम 15 गुना रिजल्ट देगा, मतलब 2 लाख तक रिजल्ट देगा, 2 लाख बच्चों को क्वालिफाई करेगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि कट ऑफ कम जाने वाला है, बच्चे कम फॉर्म भरे हैं, क्वालिफाई कर गए तो CBT 2 में इजी वे कोचिंग आपको 100% सफलता दिलाएगा। क्यों, क्योंकि CBT 2 में क्या है, ड्राइंग और बेसिक साइंस है 50 नंबर का। मैथ रीजनिंग तो पढ़ ही रहे अभी से ही और आगे टेक्निकल है और वहां पर हम लोग बहुत स्ट्रांग है कि कोई नहीं है आपको ड्रॉइंग और बेसिक साइंस पढ़ाने वाला इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं टेक्निकल को, जिस तरह से आपको हम क्वालिफाई कराएंगे, कोई नहीं है। ये कोई अभिमान नहीं, स्वाभिमान है कि भाई
हमने लगभग 5 सालों से इस तरह से मेहनत किया है, इस तरह से हमारे बच्चों ने मेहनत किया है कि भारत का कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जहां ईजीवे के बच्चे नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आइए, ये तो एक्सप्लेनेशन रहा, ठीक है ना। अब इसी के साथ में कुछ बच्चों को ये होता है ना कि सर अब आंसर मैच करना, तो इतना सारा पीडीएफ थोड़ी देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि सर इतना एक्सप्लेनेशन कौन देखने जाएगा, हम मुझे सब मालूम है, बस आंसर की दे दीजिए, हम प्रैक्टिस कर लेंगे अपना। तो अलग से आंसर की एक सीट भी आपको देंगे कि आप बस 1 2 3 मिला लीजिएगा, टोटल 75 प्रश्न है और सारा का ऑप्शन का आंसर भी यहां पर दिया गया है। इस तरह से आप क्या करेंगे, मैचिंग अपना कर लेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही है, और एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आप जाकर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रैक्टिस सेट का बेनिफिट उठाकर सीबीटी 1 एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और बेहतर तरीके से क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो पीछे नहीं हटना है दोस्त, प्रैक्टिस करते रहना। हम मेरा जो सपना है कि आपको एग्जाम तक हम इतना प्रैक्टिस करा दें कि सीबीटी 1 में कोई डर ही नहीं रहे, क्योंकि प्रैक्टिस एक माध्यम है जिससे आप सफलता को पा सकते हैं। कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, कितना भी क्लास कर लीजिए, उससे कुछ होना जाना नहीं होता है, बेहद कम रिजल्ट आते हैं। लेकिन जो बच्चा लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहा है, उसी तरह के प्रश्नों का घर पे लिमिट टाइम में प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका जो सिलेक्शन होता है ना, उसकी चांस बहुत ज्यादा होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दें, अब समय नहीं रहा कि आप किसी और के चक्कर में पड़ेंगे या पढ़ाई करते रहेंगे, अब प्रैक्टिस का टाइम आ गया है, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी शेड्यूल किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।